खबर आबू रोड से 14 से 15 अगस्त को आयोजित वर्चुअल सेकंड इंडिपेंडेंस मास्टर कैंप 2021 में आबू रोड की टीम ने 5 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक हासिल किए। पदक जीतने पर राजस्थान नानचाकू संघ के मुख्य सचिव रैंशी हरीश कुमार सावरिया ने सभी पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई दी। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रंजन कुमार CRPF आबू रोड के द्वारा बच्चों को माला पहनाकर व मेडल और सर्टिफिकेट सहित नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय पार्षद अर्जुन सिंह उर्फ भाया, कल्याण ट्रांसपोर्ट के MD वितराग मोदी, समाज सेवी गोविंद कटारिया सहित गणमान्य लोग शिरकत किए। मुख्य अतिथि के द्वारा बच्चों का उत्साह वर्धन किया गया, साथ ही कोच कनक सिंह राजपूत की सराहना की गई। पहले चंदा मीना स्वर्ण पदक, प्रेमशा बामनिया स्वर्ण पदक, पूनम ठाकुर स्वर्ण पदक, फलक कुसुम स्वर्ण पदक, ध्रुव चौधरी स्वर्ण पदक, परिधि राय उर्फ परी रजत पदक, श्रेया शर्मा रजत पदक, खुशबू राव रजत पदक, अरविंद मीना कांस्य पदक, दिव्यांशु पांचाल कांस्य पदक, विक्की बैरवा कांस्य पदक, रेलवे ग्राउंड कराटे कोच कनक सिंह आबू रोड की टीम ने 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल जीते हैं। खबर 12 से 12 शहर के शाहबाद रोड पर बुधवार को निकली गई खाटश्याम की पालकी भूतेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई, जो रामदहरा होते हुए शाहबाद रोड मंदिर तक पहुंची। उक्त कार्यक्रम शिव वैष्णव महाराज द्वारा रखा गया। कार्यक्रम में सभी भक्तों ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लिया। दूर दूर से श्याम बाबा के भक्त पधारे और शिव वैष्णव महाराज को सम्मानित किया। खबर बयाना से, बयाना में DLED की प्रथम पारी की परीक्षा कोरोना गाइडलाइनों की पालना के साथ परीक्षा शुरू हुई। DLED की परीक्षा प्रथम पारी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक तथा द्वितीय पारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। बयाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 450 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों का विभाग द्वारा अचानक परीक्षा केंद्र चेंज कर दिया गया, जिससे परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा तथा जिसके कारण कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीधर सिंह ने बताया कि विद्यालय में 450 परीक्षार्थियों का सेंटर आया है। विद्यार्थियों के प्रवेश के समय भी विद्यार्थियों को सैनिटाइजर व मास्क के ही प्रवेश दिया गया है तथा सभी विद्यार्थियों परीक्षार्थियों पेपर देते समय मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ में कमरे में बैठाया गया। वहीं परीक्षार्थियों को पानी की व्यवस्था भी परीक्षा देते समय केंद्र पर ही की गई और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा चल रही है। DLED प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का 2 पारियों में पेपर है। प्रथम पारी 9:30 से लेकर के 12:30 तक है, द्वितीय पारी 2:30 से लेकर 5:30 तक है। हमारे यहाँ कुल परीक्षार्थी 450 हैं, जो दोनों पारियों में अलग अलग हैं। हमारे यहाँ कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजर की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सब कुछ किया गया है। प्रत्येक कमरे को सैनिटाइज किया गया है। बच्चों से मास्क लगा के आने को बोला गया है। किसी प्रकार अब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। पानी की, प्रकाश की, लाइट की सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और परीक्षा 9:30 से शांतिपूर्वक चालू हो गई। खबर धरियाबाद से, धरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार एवं विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया तथा कांग्रेस जिला निवर्तमान अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत, पूर्व विधायक नगराज मीणा एवं ब्लॉक कांग्रेस निवर्तमान अध्यक्ष मदन सिंह घटेला ने विभिन्न ग्राम पंचायतों का सघन जनसंपर्क अभियान किया, जिसमें जूना बौरिया, हजारीगुड़ा, गौठड़ा, शकरकंद, लौदिया और नाड़ में ग्राम वाइज दौरा करके आगामी उपचुनाव में कांग्रेस विधायक उम्मीदवार को जिताने के लिए जन समर्थन हासिल करने के लिए मीटिंगों का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिपक्ष नेता नाथूलाल मीणा, धरियावाद सरपंच KV मीणा,
रूपलाल मीणा, शिवराज सिंह राणावत सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपके बीच में हमारे मालविया साहब, जो आप सबकी डिमांड, इस साल का समय बाकी है तो हमारा एमएलए कम से कम मुख्यमंत्री के पास में जाके बैठे और वहां से धन निकाल के लावे, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आवड़िया में नदी उतरी नहीं आई, वहां देशों देशों ने पानी नहीं। एक बात समझवानी है, पानी की जरूरत पड़े हैंडपंप करके कुआ करने जाओ पड़े, हवा की जरूरत पड़े तो सुले जाओ पड़े, वकड़क वहने करने जाओ पड़े, बिजली घर में बाड़वी है तो बटन दबावो पड़े। तो आपने हेती बातें समझ पड़े तो राज ने हाथे रहू पड़े, समझ केम ने पड़े। आज आपने विकास करवो तो राज ने हाथे रहू पड़ेगा, राज ने हाथे रंगा तो विकास थाएगा, राज ने हाथे नहीं रंगा तो विकास नहीं थाएगा। पार्टियां ना देश में गणी है, खूब मोटके मोटके पार्टी लेने उठे आए, पहले सोरे डाबराम दाकिन खबर मनोहर थाना से। आवलहेड़ा में आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी व सहायिका को पोषण ट्रैक्टर ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। महिला पर्यवेक्षक प्रेम सोनी ने बताया कि वीएलई नरेंद्र कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी व सहायिका को मोबाइल में पोषण ट्रैक्टर ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने से लेकर ऐप के माध्यम से गर्भवती धात्री महिलाओं व शून्य से अधिक उम्र के शिशुओं का नाम संधारण करना, विभागीय जानकारी आमजन तक पहुंचाना सहित ऐप से संबंधित संचालन को लेकर प्रशिक्षण दिया। इस दौरान आवलहेड़ा केंद्र की महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी व सहायिका मौजूद रहे। खबर सवाईपुर से। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती पक्षी ग्राम चावणिया में उप स्वास्थ्य केंद्र पर आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावड़िया की ओर से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। संस्थान सचिव राधेश्याम जाट ने बताया कि पूरे माह पोषण को बढ़ावा देने और महिलाओं व बच्चों को सुपोषित करने हेतु अनेक कार्यक्रम होंगे। विषय विशेषज्ञ एवं संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने पोषण को जीवन का अभिन्न अंग बताया, साथ ही कहा कि पोषित बच्चों से ही राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, इस हेतु महिलाओं को आगे आना होगा। संस्थान ने इस हेतु पोषण शपथ एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उप स्वास्थ्य केंद्र चावड़िया पर पोषक सब्जियों के बीच उपलब्ध करवाए, ताकि वे पोषण को अपने भोजन का अंग बना सके। कार्यक्रम में उप तहसील उप स्वास्थ्य केंद्र चावड़िया ANM सुरेखा पारेख, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंचल देवी ओझा, पूजा ओझा आदि उपस्थित रहे। युवा संस्थान चावड़िया की ओर से हमें ये खाद बीज वितरित किए गए हैं, जिससे हमें और हमारे स्वास्थ्य का बेहतर स्वास्थ्य मिले। खबर शाहपुरा डिपो की। शाहपुरा से सालासर चलने वाली बस में किसी अनजान यात्री का बैग रह गया था बस में। इस गाड़ी के परिचालक थे रामपुरा निवासी प्रकाश चाट। वापस बैग लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया गया। परिचालक ने बताया कि यात्री मोमिना खान गलती से चूरू जाने वाली बस की बजाय सालासर जाने वाली बस में सामान रखकर पानी लाने के लिए चली गई। उसी वक्त गाड़ी सीकर डिपो से गंतव्य वे स्थान की ओर प्रस्थान कर गई। सालासर पहुंचने पर भी परिचालक का ध्यान उस बैग की तरफ नहीं गया। सालासर से गाड़ी वापस शाहपुरा के लिए निकली और सीकर डिपो पहुंचने पर गाड़ी पूरी खाली हो गई।
तब परिचालक प्रकाश जाट का ध्यान उस बैग की तरफ गया। उस बैग की तलाशी ली तो बैग में 52,000 नकद और आभूषण तथा कपड़े मिले। उसमें यात्री का कोई परिचय पत्र आधार कार्ड नहीं था। इसकी सूचना परिचालक प्रकाश जाट ने अपने मुख्य प्रबंधक और साथ ही परिचालकों को दी। सुरेश यादव ने पूरी तहकीकात करके यात्री को बताया कि आपका बैग शाहपुरा डिपो में है। परिचालक के प्रकाश जाट ने समस्त स्टाफ के सामने यात्री को उसका बैग लौटा दिया। खबर विराटनगर से। ग्राम पंचायत बजरंगपुरा निमले स्थित भौमिया महाराज के मंदिर में बुधवार को एक दिवसीय वार्षिक उत्सव का मेला कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक प्रतिनिधि राजेश गुर्जर के मुख्य अतिथि और राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव महावीर गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया। इसी दौरान आंतेला के कूड़ाधाम में 251 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा डीजे से धार्मिक धूमधाम के साथ यहां से रवाना होकर गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल निमले स्थित भौमिया मंदिर में पहुंची। कलाकारों ने भी अपनी कलाकार प्रदर्शन किया, साथ ही मौजूद रहे। इस मौके पर विराटनगर विधायक प्रतिनिधि राजेश गुर्जर, राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव महावीर गुर्जर, राजीव डेरवाल आदि लोगों ने शिरकत की। आयोजककर्ता देव यूथ ग्रुप निमले ने बताया कि क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच हरि सिंह सिंधु, विराटनगर फायर इंचार्ज सुभाष गुर्जर, अध्यक्ष राकेश सिंधु, खैराती सिंधु, ताराचंद सिंधु, पूर्ण सिंधु, रोहताश व समस्त ग्रामीण जन दिन भर भंडारे में सहयोग करें।